अगर तुड़ाई की तकनीक सही हो तो निश्चित तौर पर फलों की भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप व्यावसायिक स्तर पर आम का उत्पादन कर रहे हैं तो तुड़ाई यंत्र का जरूर प्रयोग करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तुड़ाई से संबंधित सभी बारीकियों के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि फलों का उपचार कैसे करना चाहिए तुड़ाई के बाद। फलों की तुड़ाई के समय ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें। फल तोड़ने के दौरान फलों में चोट या खरोंच ना लगने दें। फलों को जमीन पर तथा धूप में ना गिराएं। डंठल से निकलने वाली चेप यानी दूध को फलों पर ना लगने दें। बचाव के लिए फलों को करीब 1 सेंटीमीटर लंबे डंठल के साथ ही तोड़ें। फल तुड़ाई यंत्र का उपयोग करने से आम की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। यंत्र से एक आदमी एक घंटे में करीब 800 से 1000 आम की तुड़ाई कर सकता है। आम की तुड़ाई सुबह के समय करें। फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए तुड़ाई के बाद कुछ उपचार किए जाते हैं, जैसे आम को पेटियों में पैक करने से पहले इनको कार्बेंडाजिम मिले गर्म पानी में उपचारित करें। आम की भंडारण क्षमता उसके किस्मों पर काफी हद तक निर्भर करता है, लेकिन अमूमन परिपक्व आम को आप 7 से 14 दिनों तक कमरे के तापमान पर सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन व्यवसायिक उद्देश्य से अगर आप आम की खेती या बागवानी कर रहे हैं तो उस समय में भंडारण क्षमता कैसी हो, आइए लेते हैं पूरी जानकारी। आमतौर पर परिपक्व आम कमरे के तापमान पर 7 से 14 दिनों तक रखे जा सकते हैं। यूं तो भंडारण क्षमता आम की किस्मों पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रशीतन यानी प्री कूलिंग करने से फल कम खराब होते हैं। 4 से 6% कैल्शियम क्लोराइड के घोल से फलों को उपचारित करने से फलों की रखरखाव क्षमता में कमी आती है। आम का शीत भंडारण 8 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाना चाहिए, जैसे चौसा को 8 डिग्री सेंटीग्रेड, आम्रपाली को 12 डिग्री सेंटीग्रेड एवं मालदह को 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 30 दिनों तक आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है।